भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में परिवार सहित माता की पूजा अर्चना की तथा प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली, कन्या पूजन और ब्राह्मण पूजन किया और अपने परिवार के लिए मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि बिहार जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने पुत्र बधु और धर्मपत्नी परिवार सहित माता के चरणों में नतमस्तक हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का दौरे के अंतिम दिन है। जेपी नड्डा को जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है या उन्होंने कोई जीत दर्ज की है तो वे हमेशा माता श्री नैना देवी के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। मंदिर न्यास की तरफ से जिलाधीश बिलासपुर रोहित जम्बाल और मंदिर अधिकारी हुसन चंद ने उन्हें माता की फोटो तथा चुनरी भेंट की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की है कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें जिससे वे पूरी ताकत के साथ देश की समाज की सेवा कर सकें और भाजपा पार्टी को करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ तमाम ऊंचाइयों पर ले जा सकें। और उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया है कि कोरोना की महामारी के दौरान सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना वे माता रानी से कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जब भी उन्होंने माता से कोई मनोती मांगी है माता ने उसे पूरा किया है और अब पार्टी की मजबूती के लिए दृढ़ता से कार्य करेंगे। मुझे अपने परिवार सहित मां नैना देवी जी के आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोरोना संक्रमण के कारण काफ़ी दिनों से माता का दर्शन करना चाहता था लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण वो कार्यक्रम टलता रहा। घर में ज्येष्ठ पुत्र के पाणी ग्रहण समारोह विवाह उत्सव के बाद यहाँ माता जी का आशीर्वाद लेना ये स्वाभाविक था और आवश्यक था, परंतु जैसा मैंने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लग गया, तत्पश्चात स्वास्थ्य के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आना थोड़ा कठिन गया था। आज माँ नैना देवी जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला है और मैं ये कह सकता हूँ कि माता जी के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति का के लिए और सभी निरोग रहे इसकी प्रार्थना करने के साथ साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं पूरी ताकत के साथ समाज की सेवा कर सकूं और पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरी हिम्मत के साथ करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर के पार्टी के विचारधारा को यशस्वी बनाएं और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। इसके लिए भी मैंने माँ का आशीर्वाद लिया है। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि माता जी हमेशा हम लोगों को अच्छे काम के लिए आशीर्वाद देती है, तो वह आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है और माता के साथ मिलकर के पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब पूरी ताकत लगाएंगे।